गुड मॉर्निंग 9th स्टैंडर्ड। लास्ट लेक्चर में हम लोग का पॉलिनोमियल 3.1 कंप्लीट नहीं हुआ है। 3.1 में से मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक करके दिया था और क्वेश्चन नंबर 9 करने को कहा था। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब क्या है, तुम लोग को पॉलिनोमियल्स जो दिया है, जो क्वेश्चन दिया है उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है, पहला बड़ा नंबर लगाना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। लेकिन अभी एक बात देखो, यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन एम क्यूब प्लस 3 प्लस 5 एम। तो यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, 3 है, मतलब किसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो इंडेक्स को, ठीक है, इंडेक्स के हिसाब से हम लोग को उसको डिसेंडिंग फॉर्म में लगाना है। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ को हम लोग पहला जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिख के लेंगे एम क्यूब प्लस 5 एम, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो हमेशा लास्ट में रहेगा। बट अभी मैंने तुम लोग को कहा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो 3 के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, ठीक है, 3 के बाद तुरंत 1 नहीं आता है, 3 के बाद 2 आता है, तो हम लोग को वो 2 भी लिखना है। तो 2 कैसा लिखोगे, एम क्यूब प्लस 0m² प्लस 5m प्लस 3, ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ में आया, इंडेक्स को हम लोग को डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, दो ही क्वेश्चन है इसमें, -7y + y^5 + 3y³ -1/2 +2y^4 -y²। अभी सबसे बड़ा इंडेक्स क्या है, यहाँ पे y^5 है, तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, पहला साइन वही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जहां पे है वहां पे ही रख रहा है, सिर्फ उसका प्लेस चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे y^5 प्लस है तो प्लस ही आएगा, प्लस लिखा नहीं स्टार्टिंग में तो भी चलता है, बट बीच में है इसके लिए वो लिखा है, तो y^5, फिर y^4 आएगा, फिर 4 हो गया तो क्यूब आएगा, फिर स्क्वायर आएगा, फिर 1 आएगा, फिर कॉन्स्टेंट टर्म आएगा। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, लिख के ले लो। अभी सेवेंथ क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म के लिए तुम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म आना बहुत जरूरी है।
फर्स्ट है वाई क्यूब माइनस टू, नहीं सॉरी एक्स क्यूब माइनस टू। तो क्यूब के बाद क्या रहना चाहिए था, टू रहना चाहिए था, फिर वन रहना चाहिए था, फिर ये जीरो वाला टर्म रहना चाहिए था, बट वो नहीं है। तो हम लोग पहला उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के लेंगे, एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस टू, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, बराबर है। तो लेकिन क्या बोला है, तो कोएफिशिएंट फॉर्म बोला है, तो कोएफिशिएंट फॉर्म इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब वन रहेगा, वन जीरो जीरो माइनस टू, कोएफिशिएंट जो है वो विद साइन आएगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, फाइव वाई, ठीक है फाइव वाई है, इसका अभी कोएफिशिएंट नहीं दिया है, कोएफिशिएंट मतलब कोएफिशिएंट दिया है, कांस्टेंट टर्म दिया नहीं है। तो अभी कांस्टेंट टर्म दिया नहीं है, तो पहले हम लोग को कांस्टेंट टर्म लिख के लेंगे, फाइव वाई प्लस जीरो, तो कोएफिशिएंट फॉर्म फाइव और जीरो, सिर्फ फाइव लिखे और लिखोगे तो वो सिर्फ फाइव का रहेगा, फाइव आएगा फाइव नहीं रहेगा। अगर सिर्फ फाइव लिखोगे इसका मतलब यहां पे इंडेक्स जीरो था, बट यहां पे इंडेक्स कितना है, वन है। अभी थर्ड वाला, टू एक्स रेस टू फोर माइनस, एक्स नहीं है, टू एम रेस टू फोर माइनस थ्री एम स्क्वायर प्लस सेवन। तो अभी पहले हम लोग कोएफिशिएंट फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, टू एम रेस टू फोर प्लस जीरो एम क्यूब माइनस थ्री एम स्क्वायर प्लस जीरो एम प्लस सेवन, ठीक है। तो अभी कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आएगा, बहुत इजी है ये, टू जीरो माइनस थ्री जीरो सेवन। अभी लास्ट टर्म जो है माइनस टू अपॉन थ्री है, मतलब वो सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, तो उसका उतना ही आएगा माइनस टू अपॉन थ्री। अभी एट क्वेश्चन, राइट द पॉलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म, फर्स्ट क्या है, वन टू और थ्री, देखो ध्यान दो थोड़ा अलग है। अभी ये जो नंबर्स, ये जो दिया है वन टू और थ्री, ये जो थ्री डिजिट दिए हैं, ये सीक्वेंस वाइज मत दो उसको, सिर्फ एक एज ए डिजिट देखो, वन टू थ्री। तो यहाँ पे तुम लोग को इंडेक्स फॉर्म में लिखने के टाइम में जितने टोटल नंबर दिए रहेंगे उसमें से वन माइनस करना है। तो टोटल नंबर कितना है, वन टू थ्री, टोटल नंबर से थ्री है। इसका मतलब हमारे पास
कॉन्वेक्स फॉर्म में पॉलिनोमियल आएगा वहां पे, यहाँ पे वन है तो वन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। अभी यहाँ पे जो टू लिखा है मैंने कहा से लिखा, तो ये जो टोटल नंबर थे, टोटल नंबर कितने थे, थ्री थे, थ्री में से वन माइनस हो जाएगा, कितने भी नंबर्स रहेंगे उसमें से वन माइनस हो जाएगा, तो वो वन माइनस करके वो इंडेक्स रहेगा। अभी देखो सेकंड बताती हूँ फिर तुम लोग को अच्छे से समझ आए, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स भी वैसे सीक्वेंस वाइज ही दिए। हाँ अभी देखो फाइव जीरो 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 माइनस वन, तो अभी टोटल नंबर्स कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव नंबर्स है, तो फाइव में से वन माइनस होगा, कितना हो गया फोर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं लिखूंगी फाइव एक्स रेस टू फोर, फिर उसके बाद में जीरो है वो भी लिखो, जीरो एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस वन। अभी ये जीरो जीरो जो है हम लोग को इक्वेशन में, तो कौन सा भी जो सम रहता है वहां पे जीरो जीरो वाले क्वेश्चन में नहीं रहते, तो हम लोग डायरेक्ट जो सिर्फ नंबर्स है वो लिखेंगे। ये हमारा इंडेक्स फॉर्म, समझ में आया, जितने टोटल डिजिट दिए हैं उसमें से वन माइनस करना है, कितने भी दिए रहेंगे, हंड्रेड भी दिए रहेंगे तो वन माइनस करना है, ठीक है। अभी थर्ड वाला माइनस टू टू माइनस टू टू, टोटल डिजिट कितने हैं फोर, फोर में से वन गया थ्री बचा, तो ये जो फर्स्ट टर्म है वो लिखूंगी टू एक्स क्यूब, फिर आगे का ये प्लस टू एक्स स्क्वायर फोर नंबर्स है, थ्री नंबर्स आएंगे, थ्री डिजिट आएगा इंडेक्स, माइनस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, मतलब लास्ट का जो नंबर रहता है वो हमेशा सिंगल टर्म रहेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म रहता है इसके लिए, ठीक है। कॉन्स्टेंट टर्म भी इसके लिए रहता है क्योंकि देखो यहाँ पे थ्री टू वन और जीरो, यहाँ पे जीरो रह सकते हैं, मतलब x रेस टू जीरो इक्वल्स टू वन रहता है, तो वन इंटू टू टू ही आता है, ठीक है, लिख के ले लो। भी हम लोग नाइन क्वेश्चन इजी था, मैंने तुम लोग को बोला था करने के लिए, तो तुम लोग ही करोगे, मैं नहीं करके दूंगी। अभी है ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल, अभी ऑपरेशंस क्या 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 रहते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यही ऑपरेशन है और कुछ दूसरा ऑपरेशन नहीं है। ध्यान देना है कि ऑपरेशन करते वक्त, मतलब जो भी तुम लोग को दिया है करने के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी करने को दिया है वो उसी सेम इंडेक्स के साथ होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो वही सेम इंडेक्स के साथ होता है,
मल्टीप्लीकेशन डिविजन वो हम लोग रूल स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम इंडेक्स के साथ ही होगा। ठीक है, अभी प्रैक्टिस सेट 3.2, फर्स्ट तुम लोग को यूज द गिवन लेटर टू राइट द आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर ए ट्रीज इन द विलेज लॉट, इफ द नंबर ऑफ ट्रीज देयर आर ए ट्रीज इन ए विलेज लॉट, if the number of trees increase every year by b, every year mein if number of trees increases every year by b, then how many trees will there after x years? Many trees will there be after x years? अभी देखो, there are eight trees in a village. First total trees कितने हैं? Eight. Already eight trees हैं. तो नंबर ऑफ ट्रीज विल इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय बी, एवरी ईयर बी के साथ इंक्रीज होता है प्लस बी, बट हाउ मेनी ट्रीज, ऑलरेडी इतने ट्रीज तो है वो नहीं बढ़ेंगे, वो उतने हैं जितने हैं वैसे ही रहेंगे, उसके बाद बी ट्रीज जो है बढ़ रहे। समझो अभी 50 ट्रीज ऑलरेडी है, तो उसमें 10 ट्रीज एवरी ईयर बढ़ रहा है, तो 10 ट्रीज जो बढ़ रहे हैं वो आफ्टर 5 इयर्स कितने होंगे, ये क्वेश्चन है। तो हमारा देखो, जहां पे मैंने 50 प्लस 10 इंटू 5 किया, इसका मतलब a प्लस b इंटू x होगा इज इक्वल्स टू a प्लस bx। क्वेश्चन समझ के लो, ऑलरेडी कितने क्वेश्चन, ऑलरेडी कितने ट्रीज थे विलेज में, ए ट्रीज थे, तो उसको कुछ नहीं फर्क होने वाला। ए ट्रीज में कितने बढ़ने वाले हैं, बी ट्रीज एवरी ईयर बढ़ रहे, तो एवरी ईयर में कितने ईयर के बाद देखना है, तो एक्स ईयर्स के बाद देखना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, एक मार्क के लिए आता है सिर्फ। ठीक है, अभी सेकेंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझ के लो और फिर करो। फॉर द परेड देयर आर y स्टूडेंट इन ईच रो, देयर आर y स्टूडेंट्स इन each row and x such row are formed, then how many students are there for the parade? y student hai 50 student already hai, ek row mein 50 student hai, aise
50 स्टूडेंट की ये एक रो, वन रो, ये टू रो, थ्री रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, ऐसे मैंने सिक्स्थ रो बनाए। मतलब टोटल स्टूडेंट मैं कैसे काउंट करूंगी, तो 50 प्लस 50 50, ऐसे प्लस नहीं करूंगी, तो 50 इंटू टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं, सिक्स है, तो 50 इंटू सिक्स इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इंटू y इतना ही होगा बस। ये क्वेश्चन हाफ ऑफ मार्क के लिए, दो क्वेश्चन पूछेंगे एक मार्क मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन तुम लोग करना है। अभी सेकंड क्वेश्चन, एट द गिवन पॉलिनोमियल, अभी तुम लोग का ऑपरेशन करना है। एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन और फाइव एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस नाइन। तो हॉरिजॉन्टल ही करना है और वर्टिकली दिया नहीं है करने के लिए, अगर करना चाहो तो तुम लोग कर सकते हो। तो फर्स्ट हम लोग वो क्वेश्चन जो है वो लिख के लेंगे, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन प्लस, ये दोनों को प्लस करना है, प्लस फाइव एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस नाइन, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब एक साइड में लेंगे, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, माइनस टू एक्स स्क्वायर, फिर दूसरा एक्स स्क्वायर नहीं है, फिर प्लस टू एक्स, इंडेक्स देख के करना है जो भी करना है, माइनस नाइन प्लस नाइन, एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स क्यूब, एक्स क्यूब कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब वन रहेगा, तो वन प्लस फाइव सिक्स एक्स क्यूब, सिर्फ नंबर्स ऐड होंगे, इंडेक्स ऐड नहीं करना है, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, माइनस नाइन प्लस नाइन दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, नाइन नाइन माइनस नाइन जीरो। अभी सेकंड क्वेश्चन, माइनस सेवन रेस टू, सेवन एम रेस टू फोर प्लस फाइव एम क्यूब फर्स्ट टाइम हम लोग एड एड का साइन डालेंगे, इसमें पहला स्टार्टिंग में कुछ चेंज नहीं करोगे, ठीक है, अभी इंडेक्स वाइज एक साथ ले लेंगे, माइनस सेवन एम रेस टू फोर प्लस फाइव एम रेस टू फोर प्लस फाइव एम क्यूब माइनस थ्री एम क्यूब प्लस टू एम स्क्वायर, स्क्वायर वाला नहीं है,
प्लस 3m प्लस रूट 2 माइनस 6। अभी माइनस प्लस माइनस, तो 7 माइनस 5 2, ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो माइनस 2m रेस टू 4, प्लस माइनस माइनस, 5 माइनस 3 2, ग्रेटर नंबर साइन प्लस 2, ये नंबर दोनों एज इट इज वैसे ही रहेंगे, उसको कुछ करने को जाना नहीं है क्योंकि एक स्क्वायर रूट है एक विदाउट रूट है। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है। अभी थर्ड सम है वो तुम लोग के लिए होमवर्क है, फिर सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट द सेकेंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस रूट 3 माइनस 19x प्लस रूट 3 प्लस 7x स्क्वायर। तो क्या कहा है, सब्ट्रैक्ट द सेकेंड पॉलिनोमियल, ये वाला सेकेंड पॉलिनोमियल फर्स्ट पॉलिनोमियल से माइनस करना है। हम लोग पहला, अभी ध्यान देना है, हम लोग पहला इसको सबको ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पे माइनस साइन देंगे क्योंकि माइनस करते समय साइंस चेंज होते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, पहले हम लोग जो क्वेश्चन है वही लिख रहे हैं, अभी साइन चेंज होगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस रूट 3 माइनस माइनस प्लस 19x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, समझ में आया, मतलब अंदर के जितने भी साइन थे वो चेंज हो गए, माइनस का प्लस हुआ, प्लस का माइनस हुआ, प्लस का माइनस हुआ। अभी जो है हम लोग करते हैं भाई सेम इंडेक्स वाले एक साथ लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर 1 है, 1 माइनस 7 मतलब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x रूट 3 माइनस रूट 3 0, मतलब ये तुम्हारा आंसर आ गया।
क्वेश्चन। टू ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस फोर ए बी थ्री ए बी माइनस एट ए बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बी। टू ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस फोर ए बी माइनस थ्री ए बी माइनस एट ए बी स्क्वायर। अभी साइन चेंज होगा। अभी ए बी स्क्वायर वाला जो है वो ए बी स्क्वायर वाला टू ए बी स्क्वायर प्लस एट ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस टू ए स्क्वायर बी माइनस फोर ए बी माइनस थ्री ए बी। 2ab square plus 8ab square 10ab square 3 minus 2 1 मतलब वो नहीं लिखा तो भी चलता है ab a square b minus minus plus 7 4 minus 4 plus 3 7 minus 7 ab। अभी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और एक क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं इसके लिए एक साथ पूरा नहीं ले रही हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे को होमवर्क कोई करके नहीं दे रहे और सिर्फ मैं सिखाते जाऊँ और तुम लोग कोई कुछ करेगा नहीं तो उसका वैल्यू नहीं है। तो प्लीज़ सिर्फ दो चार बच्चे लोग छोड़ के बाकी के बच्चे लोग का होमवर्क आता नहीं है तो होमवर्क भेजा करो। तो ही अगर तुम लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो हम लोग भी इंटरेस्ट दिखा के पढ़ाएंगे नहीं। तुम लोग इंटरेस्ट दिखा के थोड़ा टाइम निकाल के, ऐसा नहीं है कि स्कूल का ही बहुत रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो प्लीज़ टाइम निकालो और क्लासेस का भी होमवर्क करने की हैबिट डालो और होमवर्क करके बहुत ज़्यादा से मैक्सिमम बच्चे लोग ने होमवर्क करके मुझे व्हाट्सअप करो तो ही मैं एक एक पूरा एक्सरसाइज एक साथ ले लूँगी। ठीक है।